हेलो गाइस, एक बार आपको फिर से स्वागत है पासू गेमिंग पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही जबरदस्त एयरशिप के अंदर हूँ और मैं आपको बताता हूँ आखिर पूरी स्टोरी क्या है। देखिए, पिछले वाली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि ईमैन से हम उसकी बेस्ट वाली पावर लेंगे और उससे एक जबरदस्त वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा शानदार होगा। तो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होती हुई और आपके सामने वो ज़बरदस्त वीडियो आ चुका है। जी हाँ, इस वीडियो में हम एक्चुअली आपको बता देते हैं आखिर हम करने क्या वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम पहले वो डैमेज वाली पावर लेंगे ईमैन से, जो कि वो पिछली बारी देने में बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहा था, तो उसे हमने फेल दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं देखा है तो जाके एक बारी देख लेना। तो सीन कुछ ऐसा है, उससे हम वो वाली पावर लेंगे और उसके बाद मेरे पास जितने भी बड़े बड़े टैंक हैं, मतलब बड़े से बड़ा टैंक, ऐसा ऐसा टैंक जिसे आर्मी वाले तक नहीं हिला सकते, उन पे हम टेस्ट करेंगे उस पावर का कि आखिर उससे क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार होगा। मेरा यकीन मानना, मज़ा आ जाएगी। और अगर आप लोगों ने, चलो आगे बताऊँगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ये पूरी कहानी हो गई, अब इसको मैं लेके नीचे लैंड करता हूँ और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम अपनी वन ऑफ द फेवरेट कार जिसका नाम है मिरिंडा। जी हाँ, मिरिंडा लेवल 10 द कॉप कार, द बेस्ट कार इन लास वेगास, उससे हम इसकी शुरुआत करेंगे जो कि बहुत हैवी और बहुत ज़बरदस्त कार है। क्या वो इसको झेल पाएगी या नहीं, यही कुछ देखने के लिए चलते हैं वीडियो में। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ अपनी जबरदस्त मिरिंडा कार को और मैंने खड़ा कर दिया यहाँ पर लकीर पर, क्योंकि यहीं पर सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए 3 2 1 एंड गो। और यहाँ पर देख सकते हैं वो तेरी ही, अगर आपने साउंड सुना होगा तो आपको एक्चुअली में रियलाइज़ होगा कि ये कार वहीं पर ब्लास्ट हो गई, मतलब इतनी पावरफुल कार का एक भी अस्तर पंजर नहीं बचा। तो आप समझ सकते हैं ये पावर कितनी ज़्यादा जबरदस्त है। चलिए अब बात करते हैं अपने टैंक्स की, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक टैंक्स हैं इन गैंग्स वेगस के अंदर। उन सभी को लेके आऊँगा और उन पे इन पावर का इस्तेमाल करूँगा और देखूँगा आखिर इसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो फाइनली चलते हैं, हाँ इसको ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा सेक्सी टैंक लग रहा है। चलिए, इसको हम लेके यहीं पर लकीर पर रखेंगे जिससे कि हमें आइडिया लग सके कि आखिर कौन सा जो व्हीकल है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस पूरे गेम के अंदर। तो चलिए, इसको भी हम लेके चलते हैं वहीं पर लकीर पर, क्योंकि हमारी जो मिरिंडा कार है वो तो ध्वस्त हो चुकी है, वो तो गायब ही हो गई पहले ही शॉट में। और इस वाले टैंक के साथ, जो कि बहुत हैवी टैंक है, मैं आपको बता दूँ द हैवीएस्ट मिलिट्री टैंक, इसको लेकर हम देखते हैं क्या होगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 3 2 1 एंड लेट्स गो। ओ तेरी की, चलिए ये कम से कम ब्लास्ट तो नहीं हुआ, बट फिर भी इसने बहुत ज़्यादा दूर तक गया है, जो कि मतलब आप समझ सकते हैं इसके पावर। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ कहाँ तक गया है, उसके बाद लेके आते हैं अपने दूसरे टैंक को मिरिंडा को मिला लें तो ये तीसरा होगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी व्हीकल हमने फिर से इम्पोर्ट कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है और देखने में बहुत ज़्यादा कूल सा लगता है। और ये है कि नहीं आपके पास, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको भी लगाएंगे यहाँ पर अपने अड्डे पर, क्योंकि हमें एक्चुअल में देखना है और आप लोग नज़र रखना कि कौन सबसे पास रहा है और कौन सबसे दूर रहा है, वो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए इसका भी काम तमाम करते हैं, 3 2 1 एंड लेट्स गो। ओके, ओ तेरी की, तो ये भी काफ़ी दूर गया है, बट मुझे लगता है कि उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। आप लोग देख लेना और नीचे कमेंट करके बताना कि आखिर इसमें से जीता कौन है। अब बारी है अपने तीसरे पावरफुल टैंक को इंपोर्ट करने की और उसके बाद देखेंगे उसकी क्या हालत होती है। चलिए चलते हैं तीसरे टैंक की तरफ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको इम्पोर्ट किया था और ये एक्चुअल में बाहर आ गया था एयरपोर्ट के, तो मैं इसको एयरपोर्ट से अंदर लेने के लिए आ चुका हूँ और इसको ले चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं आखिर इसमें। और मैं बता दूँ यार, पर ज़बरदस्त है ये, मेरा मन कर रहा था इससे एकदम मिशन कर लूँ, बट यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था और मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था इसमें। तो मैं यहाँ पर ले कर चलता हूँ इसको अंदर की तरफ और इसको भी वहीं पर खड़ा करेंगे और देखेंगे। सॉरी, एक्चुअली इस बार इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बीच में खड़ा करते हैं, क्योंकि उधर खड़ा करने से यार पीछे वाले पोल पर वो जाके टच हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसको इस बारी हम बिल्कुल ट्रैक के बीचों बीच में रखेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि आखिर क्या कुछ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं क्या ही जबरदस्त टैंक है और भाई रात के टाइम पर क्या ही माहौल बना के देता है ये, मज़ा से आ जाती है। तो फाइनली इसमें भी हम थोड़ा सा तीन झाम करेंगे और आगे चलेंगे थोड़ा सा और इसको भी हम ब्लास्ट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं स्नाइपर से देखता हूँ, यही वो स्नाइपर है जिससे मैंने ईमैन को मारा था आप लोगों को, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। देखते हैं स्नाइपर का क्या फ़र्क होता है। ओके, तो यहाँ पर स्नाइपर का इस पर बिल्कुल भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो फाइनली हमें अपनी शॉटगन निकालनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है और इसका भी हम थोड़ा पास से गेम बजाएंगे। तो लेट्स गो, लेट्स 3 2 1 ओ तेरी की,
भाई साहब, मतलब इतना हैवी दिखने वाला टैंक की भी ऐसी की तैसी हो गई है। अगर इसके पास मैं भाग के जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग एक्चुअल में देख लेना कि ये कितनी दूर जाके गिरा। अरे गजब भाई साहब, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा, इतनी ज़्यादा दूर जाके गिरा है कि मैं जाते जाते ही वहाँ पर थक जाऊँगा। बट मैं एक बार आपको चल के दिखा देता हूँ आखिर इसमें कितनी ज़्यादा पावर थी और कितनी ज़्यादा दूर जा चुका है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा कुछ चौथा या पांचवा, आई थिंक चौथा होगा। और अब चलते हैं अपने पांचवे टैंक की तरफ। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इतना हैवी दिखने वाला टैंक हमारे सामने आ चुका है और इसकी क्या हालत होगी ये तो आप आगे चल के ही देखेंगे। तो पहले चलता हूँ भागते भागते, सॉरी, चलता हूँ इसको ले जाके बहुत तेज़ी में वहाँ पे, कहाँ पे, हाँ, इसको यहाँ पे बीच में खड़ा करेंगे और इस पर भी शॉटगन का प्रहार करेंगे और इन सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, मतलब इस समय बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग तो दिल पे ले लेते हैं यार। और हाँ, अभी तक अगर लाइक और कमेंट नहीं किया तो कर देना। चलो इसका भी एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टार्ट। ओके, ओ तेरी की। और यहाँ पर ये भी कुछ काफ़ी दूर जा गया है और इसको भी अगर हम देखने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। बट ये पिछले वाले से थोड़ा पास ही में रह गया, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, इसको यूज़ करना, मज़ा आएगी। और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टैंक की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हमने अपना नेक्स्ट टैंक भी ले लिया है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैवी लग रहा है ये, और इसका क्या हाल होगा ये तो देखने में ही पता चलेगा। तो लाते हैं फिर से अपनी शॉटगन को और यहाँ पर इसका काम तमाम करते हैं। 3, 2, मुड़ जा पीछे, 1, एंड लेट्स गो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी दूर गया है, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा पास ही रह गया, मतलब ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए इसके बाद लेके आते हैं अपने एक दूसरे अनोखे टैंक को और देखते हैं। ओके, इसके बाद मैंने इंपोर्ट किया था इसको क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा सेक्सी सी लग रही थी और ये काफ़ी हैवी भी है। मैं आपको बता दूँ, ये टेस्ला ट्रक है, तो इसका क्या हाल होता है ये देखने वाली बात होगी। तो फाइनली मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और खड़ा कर देता हूँ इसे भी वहीं पर और निकाल लेता हूँ अपनी शॉटगन और उसके बाद इसका क्या हाल होगा ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए इस टेस्ला ट्रक का क्या हाल होगा आप लोग देखिए अभी। ओके, सो लेट्स गो। ओ तेरी की, भाई साहब, मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि टेस्ला ट्रक का ये हाल होगा। ओ तेरी की, भाई साहब, बहुत दूर, मतलब इतनी दूर जा चुका है कि अब वो मुझे मिलने वाला भी नहीं। मैं उसे भाग के भी ढूंढूंगा तब भी वो मुझे नहीं मिलेगा। और टेस्ला ट्रक का ऐसा हाल मैंने सोचा भी नहीं था। आप लोगों ने क्या सोचा था नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट हो जाते हैं तो अगली वीडियो में लेके आऊँगा सुपर कार्स। जी हाँ, इसी पावर का इस्तेमाल करूँगा मैं सुपर कार्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी जिसमें। तो आप लोग अगर 100 कमेंट पूरे करा देते हैं तो अगली वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, मैं बिल्कुल मज़ेदार बनाऊंगा उसको सुपर कार्स को लेकर। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम आप उसे मिलकर देखेंगे साथ में। चलिए, इसका कोई नामो निशान नहीं है, तो चलते हैं अपने दूसरे की तरफ। और ये भी बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल में से और बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी है, इसमें गायब होने की पावर है। चलिए इसको हम देखते हैं अपनी पावर से गायब कर पाते हैं या नहीं। और काफ़ी शानदार से हैं ये सारे व्हीकल जो कि देखने में मुझे बहुत ज़्यादा ओपी लगते हैं। ओके, यहाँ पर हम फिर से निकाल लेते हैं अपनी शॉटगन को और शॉटगन को कर देते हैं एकदम से रिलोड और इसको फिर से करेंगे इस पर ट्राई, तो क्या होता है चलिए देखते हैं यहाँ पर। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओ तेरी की, मैं क्या बोलूँ, मैं कहाँ गई वो। ये हमारे इतने हैवी टैंक्स हैं जिनका कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो भाई, यही कुछ थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आप चाहते हो, हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं सुपर कार्स के ऊपर ये ट्राई करूँ या बाइक्स के ऊपर ये ट्राई करूँ, तो जल्दी से जल्दी 100 कमेंट करा देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस कार या किस बाइक के ऊपर इसको देखना है। तो मिलते हैं ऐसी एक और, हाँ, और एक बात और आपको बतानी है कि अगर बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आ जाना, बात करेंगे बैठ के। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।